कृष्ण भजन तो देने कहिए जय पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो देने कहिए जय पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ये पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे वैष्णव जन तो तेने कही है जय पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे के नी रे सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे के नी रे वाच काच मन निश्चल राखे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे। भाइयों बहनों 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतने बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? सीधे साधे बापू, हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, इतने बड़े इंसान, लेकिन उनका जीवन था बड़ा ही सीधा साधा। महात्मा गांधी ने देश में स्वाधीनता का मंत्र फूंका। स्वदेशी आंदोलन छिड़ गया। गांधी जी और उनके साथ सभी लोग चरखे पर सूत काटने लगे। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। गांधी जी ने कहा था कि सम्मान के बिना कोई स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है। उन्होंने सम्मान के साथ जीने की सलाह दी। आज़ादी की लड़ाई के लिए गांधी जी के पास कोई हथियार नहीं थे, था तो सिर्फ सत्य और अहिंसा का नारा। और सच्चाई में उन्हें अटूट विश्वास था। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। क्या नेता, क्या जनता, सभी लोग उनके पीछे खड़े थे।
अंग्रेजों की ताकत भी गांधी जी के सत्यम और अहिंसा के सामने बेअसर हो गई। इसलिए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा था कि ये आत्मा नहीं महात्मा है। गांधी जी का कहना था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। साफ तन और सच्चे मन से ही हम अपने देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी। क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? गांधी जी को बचपन से ही सफाई पसंद थी। अपना परिसर स्वच्छ रखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। गांधी जी जब पढ़ाई के लिए लंदन गए तब वहां की स्वच्छता सफाई उन्हें बहुत भा गई। उन्होंने ठान लिया कि मेरा देश भी इसी तरह साफ सुथरा होना चाहिए। सफाई के काम में उन्हें कभी कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। उन्हें विश्वास था कि तन मन और परिसर की स्वच्छता देश को खुशहाल बना सकती है। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई स्वच्छता। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे? गांधी जी सभी लोगों से और खास तौर पर बच्चों से बहुत प्यार करते थे। गांधी जी का संदेश इतना सरल है कि हम बच्चे भी उसे आसानी से समझ सकते हैं। वैष्णव जन तो तेने कई दे पीड़ा पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान सकल लोक मां सौने वंदे ए निंदन करे के नीरे वैष्णव जन दो